लॉकडाउन के चलते ग्वालियर शहर में शराब माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस की सख्त चेकिंग के बाद भी अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। अगर एक आंकड़े पर नजर डालें तो पुलिस ने लॉकडाउन अवधि में एक दर्जन से अधिक शराब तस्करों से शराब जब्त की है, लेकिन आबकारी पुलिस की पकड़ से शराब माफिया कोसों दूर है। ग्वालियर में इन दिनों कोरोना महामारी के बीच समाज के दुश्मन चंद भ्रष्ट पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों की दम पर अवैध शराब का कारोबार बेखौफ होकर कर रहे हैं, जिसके चलते लॉकडाउन में भी शराब माफियाओं के बल्ले बल्ले है। हैरानी करने वाली बात यह है कि चाक चौबंद पुलिस की चेकिंग के बाद भी शराब का कारोबार शहर में धड़ल्ले से जारी है। दिखावे के लिए पुलिस ने कुछ छोटे मोटे शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन उनके आका अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आबकारी विभाग तो पुलिस से भी दो कदम आगे है। दिखावे के लिए शहर की बंद सील लगी हुई शराब की दुकानों निरीक्षण करके दम भर रहा है कि शहर में अवैध शराब का कारोबार नहीं हो रहा। खैर, दोनों ही जिम्मेदार विभाग शराब माफियाओं के लॉकडाउन के आगे बौने साबित हो रहे हैं। मैंने बताया कि सोशल डिस्टेंस होना इसमें बहुत जरूरी है, और इसके चलते जो शराब दुकानें हैं अन्य दुकानों की तरह वो भी बंद हैं। इसके चलते शराब की ब्लैकरी में लॉकडाउन के दौरान एक इजाफा हुआ, और इस तरीके के गिरोह काम करने लगे कि वो अवैध कच्ची शराब और अन्य साधनों से अवैध शराब को पहुंचाने का काम करने लगे। जब ये सूचनाएं हम तक आईं तो हमने अपने नेटवर्क को सक्रिय किया और थाना पुरानी छावनी, थाना महाराजपुरा, थाना हजीरा में लगातार हमने कार्रवाई की है। थाना पुरानी छावनी के अंतर्गत ग्राम जलालपुर में बहुत बड़े स्तर पर अवैध कच्ची शराब बनाने के ठिकाने नष्ट किए, कार्रवाई की, और हजीरा थाने में लगातार कुछ वाहन जब्त किए हैं जिसमें फोर व्हीलर शामिल हैं, और इसी तरीके से महाराजपुरा में भी कार्रवाई की। जो भी इस तरीके के तत्व हैं वो कोशिश करते हैं कि प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त करें, लेकिन इससे पुलिस कार्रवाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी मजबूती और दृढ़ता से कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि जो अपराधी हैं उनके हौसले पस्त रहें।